Welcome dear students in this video lecture. इस video lecture में विच आप पर discuss करेंगे आज कुछ vocabulary words जड़े writing task one means graph में विच sale या कोई भी figure वजन दे ले आप हम use कर सकते हैं. So all the words are written on the board. मैं सिर्फ explain करूँगी कि किवे तुसी words नू utilize कर सकते हो. मैं previous video में विच explain की था सी कि 2019 year हम चल रहे हैं. 2019 तो पिछले जो भी साल दिते हुए ने मीन्स असी पास्ट च गल करनी है. तो ये जड़े वर्ड्स ने इन्हों पास्ट के लिख सकते हो. कुछ वर्ड्स है जिन्हों ईडी लग जाती है, कुछ वर्ड्स जोड़े वर्ब नहीं होंगे उन्होंने अगर आप वर्ब का सहारा लेना पैदा. सो द वर्ड्स आर एज द हैडिंग इज रिटन वोकैब फॉर इनक्लाइनिंग फिगर्स इन राइटिंग टास्क वन ग्राफ. द फर्स्ट वर्ड इज इनक्रीज. तुम बोलना हो एज्यूम कर रहे हैं कि सेल बढ़ गई. द सेल was increased. देखो मैं was ना थर्ड फॉर्म लगाई है, पैसिव बन गया. सीधा भी बोल सकते हो द सेल इनक्रीज्ड. कितनी इनक्रीज हुई है वो तुम फिगर बाद से लिख सकते हो. राइज जिसकी सेकंड फॉर्म होती है रोज. पिनाकल, पिनाकल का मतलब ही होता बढ़ना. सो द सेल रीच्ड एट पिनाकल. एपेक्स, एक्मे, समिट, इन्होंने लिए भी तुम यूज कर सकते हो. द सेल रीच्ड एट इट्स एपेक्स, एक्मे या समिट. पीक आउट एट पीक्ड आउट एट लिख सकते हो. हिट की फर्स्ट फॉर्म भी यही है, सैकेंड भी यही है और थर्ड भी यही है. हिट द क्रेस्ट एट मीनस बढ़ना. एसकलेट का मीनिंग भी बढ़ना होंगे. गो अप इसमें सैकेंड फॉर्म से यूज करना है तो वेंट अप लिख सकते हो. हाइक नू हाइक्ड, एलिवेट नू एलिवेटेड, ग्रो द सैकेंड फॉर्म ग्रियू, क्लाइंब दी सेकंड फॉर्म क्लाइंट. गो अपवर्ड मीन्स वेंट अपवर्ड, अपवर्ड मीन्स ऊपर. गो नॉर्थवर्ड मीन्स वेंट नॉर्थवर्ड. सो दीज आर दी वर्ड्स फॉर इंक्रीजिंग एनी फिगर इन राइटिंग टास्क वन. जे कोई फिगर बहुत ज्यादा तेजी नाल वध रही हो, चाहे वो कोई सेल है, कोई भी फिगर है तेजी नाल वध रही हो, तो उहदे ते कुछ होर वर्ड्स हैं जो कि बोर्ड पर मैनशन किए हुए हैं, तुसीं इन्हां नूं भी यूज कर सकते हो. अगैन आई एम टैलिंग यू कि जे ग्राफ पास्ट विच है तो तुसीं सैकेंड फॉर्म्स नाल इसनूं यूज कर सकते हो. द फर्स्ट वर्ड इज सोर, जिहदा मतलब हुंदा बहुत तेजी नाल वधना. सर्च, स्पाइक, जंप, जूम, बूम, रॉकेट, शूट अप, टेक अ क्वांटम जंप, टेक अ क्वांटम लीप, राइज एट अ गैलपिंग पेस, राइज एट स्मार्टिश पेस, हिट द रूफ या गो थ्रू द रूफ. इन्होंने सारे का मतलब होंगे बहुत तेजी नाल वधना. तुसी टेक की जगह टुक लगा सकते हो, राइज की जगह रोज लगा सकते हो, गो की जगह वेंट लगा सकते हो. हिट 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 फर्स्ट सैकेंड ते थर्ड फॉर्म सेम होंगे ने, इन्हों सैकेंड फॉर्म के यूज कर सकते हो. हुण कुछ फिगर्स जिहड़ियां कि घटन दे लई तुसीं वोकैब दे वर्ड्स यूज कर सकते हो. मैं हैडिंग राइट कीता है कि वोकैब फॉर डिक्लाइनिंग फिगर्स इन राइटिंग टास्क वन, ब्रैकेट च मैं ग्राफ मैनशन किया हुआ है. सो द फर्स्ट वर्ड इज डिविंडल, जिहदी सैकेंड फॉर्म होंदी है डिविंडल. ड्रॉप ड्रॉप्ड, डिप डिप्ड, ये सैकेंड फॉर्म्स ने. फॉल दी सैकेंड फॉर्म होंदी है फेल. श्रिंक दी श्रैंक, स्लाइड दी स्लाइडेड, स्लिप स्लिप्ड, गो डाउन की जगह वेंट डाउन लिख सकते हो. गो डाउनवर्ड की जगह वेंट डाउनवर्ड, गो साउथवर्ड की जगह वेंट साउथवर्ड. प्लंज की सैकेंड फॉर्म होंगी है प्लंज्ड, तो प्लमेट की सैकेंड फॉर्म होंगी है प्लमेटेड, जिहदा मतलब होंगे कोई फिगर ग्राफ जो घट रही हो यूज कर सकते हो सैकेंड फॉर्म जो ग्राफ पास का हो. मैं कुछ वर्ड्स यूज किए हैं बहुत घटन के लिए, बहुत तेजी नाल कोई चीज़ घट रही हो यूज कर सकते हो नोज डाइव, जिन्हों यूज कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल द सेल टुक नोज डाइव. वैसे नोज डाइव का मतलब मुद्दे मूह होंदा है, मीनस घट जाना किसी चीज़ का. टेक अ नोज डाइव नो टुक अ नोज डाइव असं यूज कर सकते हैं. इरोड का मतलब होंदा है खुरना, इरोडेड, फेड फेडेड, नेदियर इसका मतलब भी होंदा है घटना. हिट दी ट्रफ एट इसमें भी असी हिट फर्स्ट फॉर्म भी यही है, सैकेंड भी यही, थर्ड भी. मैं
दो बार पहला भी ये चीज एक्सप्लेन कर चुकी है. बॉटम आउट एट, बॉटम्ड आउट एट. मैं थोड़ा फर्स्ट ते सेकंड फॉर्म्स दोने दसियां हुई ने. जे ग्राफ नु तुसी सेकंड फॉर्म्स लिखना था, सेकंड फॉर्म भी मैं एक्सप्लेन कीती है. ए कुछ वर्ड सी फिगर्स दे कटन दे लई. जदों बहुत ज्यादा कोई फिगर कट रही होवे तां तुसी इन्ना विचो कोई भी वर्ड्स को यूज करने हैं जिन्ने कि थानू याद रह जाए ते उन्हां दा स्पेलिंग ते यूटिलाइजेशन प्रॉपर होवे. हुण कुछ वर्ड्स जिहड़े कि आपां यूज कर सकदे हां राइटिंग टास्क वन दे विच. जदों कोई फिगर स्टेबलाइज होवे मीन्स स्थिर होवे तां हैडिंग है वोकैब फॉर स्टैगनेटिंग फिगर्स इन टास्क वन मीन्स इन ग्राफ. फर्स्ट वर्ड है स्टैगनेट, जिहदी सैकंड फॉर्म होंदी है स्टैगनेटेड. फ्रीज, इहदी सैकंड फॉर्म होंदी है फ्रोज, ते थर्ड होंदी है फ्रोजन. स्टेबलाइज दी सैकंड फॉर्म होंदी है स्टेबलाइज्ड. लेवल आउट दी सैकंड फॉर्म तुसी यूज कर सकदे हो लेवल्ड आउट. रीच अ प्लैट्यू, इसी जगह ते तुसी रीच्ड अ प्लैट्यू. फॉर एग्जांपल तुसी लिखना होवे दी सेल वाज रीच्ड अ प्लैट्यू in 1998 and 2001. Platitude already main the second form put kiti hui hai. Get stuck di jagah te got stuck aa sakda hai. Itthe spelling apa theek karange s t u c k. So these are the right spellings. Constant di second form apa use kar sakde hain. Is nu bolan de layi apa likh sakde hain ki the sale was constant. स्टेशनरी, एक स्टेशनरी होंगी जो बच्चे यूज करते लाइक पेंसिल इरेजर कॉपीज उहदे विच इत्थे ई हुंदा बट इस दे विच स्टेशनरी दे विच ए है जिहदा मतलब हुंदा स्थिर स्टेबल. फॉर एग्जाम्पल द सेल वॉज स्टेशनरी इन 1998. जो भी फिगर है वो तुसी ब्रैकेट च मैंशन कर सकते हो या होर भी बड़े तरीके ने फिगर्स नूं लिखण दे लई. हुण कुछ वर्ड्स जदों सेल या कोई भी फिगर वध रही होवे घट रही होवे मीनस फ्लक्चुएशंस होन उतार चढ़ाव होन तां मैं हैडिंग भी पुट कीती है वोकैब फॉर फ्लक्चुएटिंग फिगर्स इन टास्क वन मीनस इन ग्राफ. फ्लक्चुएट मीनस वध होना घट होना. फर्स्ट वर्ड है विसिसिट्यूड्स जिहदा मतलब है कोई चीज़ फिगर कोई भी घट गई वध गई. सेकेंड है फ्लक्चुएट जिहदी सैकेंड फॉर्म होंदी है फ्लक्चुएटेड. इरैटिक ट्रेंड जिहदा मतलब हुंदा है उतार चढ़ाव वाला ट्रेंड तां तुसी इत्थे लिख सकदे हो द सेल शोड इरैटिक ट्रेंड. पास्ट च यूज करने लई मैं एग्जाम्पल दिती है. जिगजैग ट्रेंड, जिगजैग दा मतलब भी की हुंदा उपर नीचे मीन्स द सेल शोड जिगजैग ट्रेंड. फॉलो एन अनडुलेटेड पाथ, अनडुलेटेड पाथ दा मतलब हुंदा टेढ़ा मेढ़ा रस्ता. इहदी जगह आपां यूज कर सकदे हां इसनूं पास्ट followed an undulated path. The last word is display a volatile behavior. Second form jene use kar sakde ho the sale displayed a volatile behavior. Is video de vich main thonu sale da example de ke sare samjhaye ne. Is sirf assume kita si figure koi bhi ho sakdi hai vadhan de layi ghatan de layi fluctuations de layi ya sthir de layi. Main thonu different vocab de words dasse ne. Try tusi ehi karni hai dear students के राइटिंग टास्क वन या चाहे तुसी टू लिख रहे हो उहदे च वर्ड्स दी रेपिटेशन ना होवे और सेंटेंस फॉर्मेशन तुसी बिल्कुल सही तरीके नाल इन वर्ड्स नूं यूटिलाइज करना है. सो विश यू ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट. मिलांगे नेक्स्ट वीडियो दे विच. जे किसी भी स्टूडेंट्स नूं कोई डाउट्स लगदे होन तो कमेंट करके जरूर पूछ सकदे ने. सो थैंक यू वेरी वेरी मच.